अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RTX A5000 सीरीज़ के बारे में। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और हाई मेमोरी वाला ग्राफिक कार्ड है और जानेंगे हम इसके साथ कि इस वक्त पाकिस्तान में इसकी क्या प्राइस चल रही है। तो वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से गुजारिश होती है कि जो चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे RTX A5000 क्वाड्रो सीरीज़ के बारे में। ये आपको एक ज़बरदस्त ग्राफिक कार्ड मिल जाता है 24 GB के साथ। 24 GB इसकी अपनी मेमोरी है, DDR6 का ये ग्राफिक कार्ड है। 384 bit की इसकी बस स्पीड होती है। इसको अगर मैक्सिमम पावर की हम बात करें तो 230 W तक इसको चलने के लिए चाहिए। PCI स्लॉट की बात करें तो PCI एक्सप्रेस इसकी 4.0 वाली होती है और उसी को ये सपोर्ट करता है। ये ज़्यादातर आप लोगों को 9th generation 8th generation वाले सिस्टमों पर मिलती है। इसके अलावा ये ग्राफिक कार्ड जो है ये ज़्यादातर गेमिंग के लिए नहीं बल्कि एडिटिंग और उसके अलावा सॉफ्टवेयर वगैरह जो बनाते हैं उनको ज़्यादातर इस तरह के क्वाड्रो सीरीज़ का काम पड़ता है। ये क्वाड्रो सीरीज़ आपको गेमिंग में इतनी परफॉर्मेंस नहीं देती जितनी आपको एडिटिंग और सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त ग्राफिक कार्ड होते हैं। मार्केट में इस वक्त जो पाकिस्तान में इनकी प्राइस है वो लगभग 6 लाख के करीब जा रही है। तो मुख्तलिफ जगह पर इसका कुछ फ़र्क हो सकता है, कोई 5-6 हज़ार का, मगर एस्टिमेटेड आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त ये 6 लाख के करीब मार्केट में पाकिस्तान में इसकी प्राइस चल रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलते रहें।